कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस सीरीज की एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी। कोशी फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, स्क्वीज प्रिंसिपल, ये सभी हमने पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे शुरू एक्सरसाइज 2.2। लेट स्टार्ट। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कोशी फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम एंड स्क्वीज प्रिंसिपल। देखिए क्या है हमारे पास स्क्वीज प्रिंसिपल। स्क्वीज प्रिंसिपल में क्या बोला हुआ है कि तीन सीक्वेंस हैं हमारे पास, ए एन, बी एन एंड सी एन। तीन हमारे पास में सीक्वेंस गिवन होती हैं और ये इस तरह से हैं कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर एन बिलोंग्स टू एन के लिए। एंड जो सीक्वेंस है हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, वो किसी ए पर कन्वर्स कर रही है। एंड जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन है, वो भी किसी नंबर ए पर कन्वर्स कर रही है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली सेम नंबर पर कन्वर्स कर रही हैं। देन तो जो हमारी बीच वाली सीक्वेंस है बी एन, वो भी किस पे कन्वर्स करेगी, ए पर कन्वर्स करेगी। ये है आपका स्क्वीज प्रिंसिपल। नाउ कोशी फर्स्ट थ्योरम। कोशी फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए पर कन्वर्स कर रही है, देन तो मैं एक नई सीक्वेंस लेके चल रही हूँ बी एन, जो किस टाइप की है, ए की एन टर्म्स का सम बाय डिवाइडेड बाय एन। ये जो सीक्वेंस होगी वो भी किस पे कन्वर्स करेगी, ए पर कन्वर्स करेगी। ये है आपकी कोशी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट है कोशी सेकेंड थ्योरम। कोशी सेकंड थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, किसी न किसी नंबर पे कन्वर्स कर रही है, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन, या फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू पावर वन बाई एन एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। कि अगर हमारे पास क्या है कि ये जो दो लिमिट है, अगर ये एग्जिस्ट कर रही हैं, देन क्या होगा, ये दोनों जो लिमिट होंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी। ये है आपकी कोशी सेकंड थ्योरम। कोशी सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और लिमिट ए एन प्लस वन बाई ए एन, या तो ये लिमिट एग्जिस्ट करे या ये लिमिट, अगर इन दोनों में से कोई एक भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो दोनों के दोनों पक्का इक्वल मिलेंगी। ये है आपकी कोशी सेकंड थ्योरम। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड एक्सरसाइज 2.2। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू एन स्केयर माइनस फाइव बाई थ्री एन स्केयर प्लस सेवन एन इज इक्वल टू टू बाई थ्री। ये हमने प्रूव करना है। देखिए किस तरह से करेंगे हम ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू एन स्केयर माइनस फाइव बाई थ्री एन स्केयर प्लस सेवन एन को मुझे क्या दिखाना है, टू बाई थ्री के इक्वल। ये टू प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू एन स्केयर माइनस फाइव बाई में थ्री एन स्केयर प्लस में सेवन एन, ये हम ले लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड एन स्केयर से डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या बनेगा, टू माइनस फाइव बाई एन स्केयर बाई में थ्री प्लस में सेवन बाई एन, यही बनेगा। और अगर n टाइम्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाऊं तो ये क्या बनेगी, टू माइनस जीरो बाई थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू टू बाई थ्री। तो यहाँ से हमारे पास में लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, टू बाई थ्री आ जाएगी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर वन। सेकेंड और थर्ड पार्ट सेम है, सेकेंड से n कॉमन निकल जाएगा, थर्ड वाले से n रेज टू पावर फोर कॉमन निकल जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज़ करना है, शो करना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन ये तीनों पार्ट्स। देखिए सारे के सारे पार्ट्स तो पॉसिबल नहीं होते हैं सॉल्व करवाने, हम सिर्फ हिंट दे सकते हैं, तो मैं आपको हिंट दूंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उन प्रॉब्लम्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन डाल सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका एक एक पार्ट करवा रही हूँ इसमें बस अभी। देखिए सेकेंड का फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, क्या है, हमने क्या प्रूव करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस वन प्लस में एन स्केयर प्लस टू प्लस वन बाय में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस एन, ये मुझे किसके इक्वल दिखाना है, वन के। ये टू प्रूव करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए नाउ लेट कर लेते हैं कि ए एन हमारे पास क्या है, वन बाय में
एन स्क्वेयर प्लस वन, प्लस में वन बाय में एन स्क्वेयर प्लस टू, अप टू वन बाय में एन स्क्वेयर प्लस एन। ये कोई सीक्वेंस हम लेट कर लेते हैं ए एन। अब नाउ देखिए, जो एन स्क्वेयर होगा, एन स्क्वेयर जो प्लस वन होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एन स्क्वेयर प्लस एन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्योंकि देखिए यहाँ पे एन स्क्वेयर मैंने क्या किया, जो वन है ना, जो वन हमेशा होगा लेस देन इक्वल टू एन, जाएगा हर नंबर के लिए जाएगा ना। ये चीज़ को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एन जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा वन और वन से बड़ा होता है, फॉर ओन बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर हमेशा वन और वन से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एन स्क्वेयर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस वन होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। क्या किया, दोनों साइड एन स्क्वेयर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इनका रेसिप्रोक कर लूँ तो वन बाय में एन स्क्वेयर प्लस एन, वो हमेशा छोटा होगा किससे, एन स्क्वेयर प्लस वन से, साइन चेंज हो जाएंगे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन जाएगा ना। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, इस ए एन को एक, मेरे को क्या लेके आनी है स्क्वीज प्रिंसिपल के अंदर, कि दो सीक्वेंस चाहिए मुझे इस ए एन को, मैं एक बी एन और एक सी एन, ये दो सीक्वेंस मुझे चाहिए। तो इसके लिए ना, तो मैं लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन उठा के लेके चल रही हूँ सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस सीक्वेंस सी एन बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस चीज़ का यूज़ किया वन बाई में एन स्क्वेयर प्लस एन। अब देखिए जितनी ए एन जो हैं, ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, वन अपॉन में स्क्वेयर रूट एन स्क्वेयर प्लस वन, वन बाई में स्क्वेयर रूट एन स्क्वेयर प्लस टू, प्लस अप टू वन बाई में स्क्वेयर रूट एन स्क्वेयर प्लस एन। ध्यान से देखिए, ये सभी की सभी जो टर्म्स हैं हर एन के लिए किससे छोटी होंगी, वन बाई में एन स्क्वेयर प्लस वन से। तो ये लेस देन इक्वल टू, देखिए वन बाई में एन स्क्वेयर प्लस वन, ये तो एज इट इज़, ये किससे छोटी हो जाएगी, वन बाई में एन स्क्वेयर प्लस वन, ये कहाँ से छोटी होगी, वन बाई में एन स्क्वेयर प्लस वन से। यानी कि मैंने पहले वाले को तो एज इट इज़ रखा, बाकी सभी टर्म्स को की जगह क्या कर दिया, एन स्क्वेयर प्लस वन ऐड कर दिया। देखिए ये सभी के सभी टोटल टर्म्स कितनी हैं, एन है। तो यहाँ से ए एन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं एल से वन प्लस वन प्लस अप टू वन बाई में स्क्वेयर रूट एन स्क्वेयर प्लस वन, ये हो जाएगी। एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, टोटल कितनी है, एन अपॉन में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस वन, यानी ए एन लेस देन इक्वल टू एन। और यहाँ से हम अगर एन कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बनेगा, वन प्लस में वन बाई एन स्केयर और साथ में एन, एन से एन कैंसिल, ए एन किसके को लाएगा, वन अपॉन में स्केयर रूट वन प्लस में वन बाई एन स्केयर। ये आ गया हमारे पास में एक सिक्वेंस, तो ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं लेट कर लेती हूँ, किसका नाम दे देती हूँ, बी एन का। अगर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू निकालूँ तो देखिए क्या बनेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन में वन प्लस वन बाई एन स्केयर वन आ जाएगी। लिमिट पता चल गई हमें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। उसके बाद अब हमने क्या लेके चलनी है, देखिए एक तो सीक्वेंस आ गई, मुझे क्या चाहिए, दूसरी सीक्वेंस भी चाहिए। अब नाउ ध्यान से देखिए, सेम चीज़ है हमारे पास, ये जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी ये टर्म्स हैं वो सभी किससे, एन स्क्वेयर। देखिए डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतने ही टर्म्स सारे के सारे क्या जाएंगे, छोटी जाएंगी ना। तो अगर मैं इन सभी टर्म्स को, ए एन की जितनी भी टर्म्स हैं, वन बाई में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस वन, वन बाई में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस टू, अप टू वन प्लस में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस एन, देखिए ये सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी तो ये उतनी ही छोटी होगी। तो अगर मैं इन सभी को रिप्लेस कर दूँ, वन बाई में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस एन, वन बाई में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस एन, और लास्ट टर्म तो है ही, पहले मैंने क्या किया था, सबको फर्स्ट टर्म से छोटा लेके चली थी, अब मैंने सबको लास्ट टर्म से बड़ा दिखा दिया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन अपॉन में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस एन हो जाएगी, यानी कि वन अपॉन में स्केयर रूट वन प्लस में वन बाई एन के इक्वल हो जाएगी। इसको मैं किसका नाम दे दूँगी, सी एन का नाम दे दूँगी। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, कि जो ए एन है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू सी एन, जिसकी वैल्यू क्या है, वन अपॉन में स्केयर रूट वन बाई वन प्लस एन। अब मैं अगर लिमिट निकाल लूँ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन की, तो वो क्या हो जाएगी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन में स्केयर रूट वन प्लस वन बाई एन, और ये क्या देगी, वन देगी। देखिए अब मैं क्या लेके चल रही हूँ, इक्वेशंस का नाम लेके चल रही हूँ। एक इक्वेशन वन ये है एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, फ्रॉम वन एंड टू। फर्स्ट टू टू से देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, वन बाई में स्केयर रूट वन प्लस में वन बाई एन, लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू वन बाई में स्केयर रूट वन बाई में वन बाई एन स्केयर। ये किसका नाम है, सी एन, और ये क्या है, बी एन है। देखिए सी एन बी एन तो यही थे ना मेरे पास में,
वन प्लस वन बाई वन बाई एन स्क्वायर बी एन और सी एन हमारे पास ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि तीन हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई सीक्वेंस। एंड जो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन वो किस पे कन्वर्स कर रहे हैं, वन पे। सो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन भी किस, सॉरी ए एन भी किस पे कन्वर्स करेगा, वन पे। यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस वन अप टू वन बाई में स्केयर रूट एन स्केयर प्लस एन, इसकी लिमिट में क्या आएगी, वन आएगी। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले तो ए एन में सभी के सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको एक बार तो एन स्केयर प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। जब मैंने सभी के सभी डिनोमिनेटर्स को एन स्केयर प्लस वन से रिप्लेस किया और सम किया तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसको मैंने बी एन का नाम दे दिया। फिर उसके बाद उनको रिप्लेस किया एन स्केयर प्लस एन से तो बड़ी हो जाएंगी वो सभी टर्म्स, उनको सी एन का नाम दे दिया। और बी एन सी एन दोनों के दोनों वन पे कन्वर्स कर रहे हैं तो उनके बीच में ए एन लाई कर रही है तो वो भी वन पे ही कन्वर्स होगी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड के बाकी के पार्ट्स ट्राई कीजिएगा, नहीं होते हैं तो मुझे बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए यूजिंग कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, लिमिट के ऊपर कोशी फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करना है और प्रूव करना है हमारे पास ये इसके इक्वल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, वन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एन क्या आ गया हमारे पास, थर्ड में देखिए क्या है, लिमिट वन बाई एन वन प्लस वन बाई टू, फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो करवा रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, वन बाई एन वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई एन। कोशी फर्स्ट थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये सभी का क्या था, एडिशन था। ठीक है ना, एडिशन को एन से डिवाइड किया हुआ था और वो हमने किसके इक्वल दिखाना था, जीरो के इक्वल दिखाना। तो यहाँ पे ए एन क्या हो जाएगी, ए एन तो हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, वन बाई एन के। देखिए कैसे कह रही हूँ मैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कोशी फर्स्ट थ्योरम क्या है, पहले हम ये देखते हैं। कोशी फर्स्ट थ्योरम है अगर ए एन किसी ए पर कन्वर्स कर रही है देन बी एन सिक्वेंस क्या होगी, ए वन का एन टर्म्स का सम बाय में एन, वो भी किस पे कन्वर्स करेगा, ए पे। ये है कोशी फर्स्ट थ्योरम, इसका यूज़ करना। नाउ फर्स्ट पार्ट लेके चलने हैं, मुझे क्या प्रूव करवाना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या क्या है मेरे पास में, वन बाय में एन वन प्लस वन बाई टू प्लस अप टू वन बाई एन इज इक्वल टू जीरो, मुझे ये प्रूव करवाना है। यानी ए के जगह जीरो लेके आना है, अगर मैं ए एन सिक्वेंस निकाल के उसको जीरो के इक्वल प्रूव कर दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए नाउ अब मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ सीक्वेंस ए एन को वन बाई एन और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या बन जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ गई। सो बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम अगर मैं कोशी फर्स्ट थ्योरम लेके चलूँ तो सीक्वेंस बी एन मैंने ले ली, सीक्वेंस बी एन कौन किस टाइप की जाएगी, देखिए ए एन टर्म्स के एन टर्म्स का सम, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री अप टू वन बाई एन, ये एन टर्म्स का सम हो गया डिवीजन बाई एन, ये हो जाएगी और ये कन्वर्स करेगी किसके ऊपर, जीरो पे। इसका मतलब क्या कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई टू अप टू वन बाई एन इंटू में वन बाई एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यही हमने प्रूव करना था, यानी जो सम है ना वो आपको बताएगा कि हमारे पास क्या जाएगी सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस एन रेज टू पावर वन बाई एन जाएगी, यहाँ पे सीक्वेंस क्या जाएगी एन प्लस वन बाई में एन जाएगी, यहाँ पे क्या जाएगी वन बाई एन स्क्वायर जाएगी। एन रेज टू पावर वन बाई एन तो किसके इक्वल जाती है हमारे पास में, वन के इक्वल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पे एन प्लस वन बाई एन ये भी किस पे कन्वर्स करेगी, वन पे, वन बाई एन स्क्वायर जीरो पे कन्वर्स करेगी। यानी कि सीक्वेंस में आपको सिर्फ ये चेक करना है, देखिए एन टर्म्स का सम है, जो इसकी लास्ट वाली एन टर्म होगी ना वो आपकी जनरल सीक्वेंस को डिफाइन कर देगी, बता देगी। तो यहाँ पर डिफाइनिंग क्या हो जाएगी, ए एन हो हमारे पास एन रेज टू पावर वन बाई एन। जैसे कि सेकंड में अगर मैं लेट कर लूँ सीक्वेंस, देखिए लास्ट टर्म है एन रेज टू पावर वन बाई एन और लिमिट, अब मुझे क्या निकालनी है, लिमिट एंड ये दिखाना है कि ये किस पे कन्वर्स कर रही है, वन पे कन्वर्स कर रही है। कैसे करेगी, देखिए लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, लॉग ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग एन रेज टू पावर वन बाई एन,
लॉग ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन लॉग एन। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ए एन अगर मैं निकालूँ तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन बाई एन, ये क्या बन रही है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो हम कौन सा लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए लॉग एन बाई एन है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एन बाई में वन, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एन और वैल्यू आ गई किसकी जीरो की। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ए एन की। देखिए अब ये जो लिमिट है वो अंदर चली जाती है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ लॉग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है जीरो। अगर मैं एंटी लॉग लूँ तो यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन क्या बनेगा ई की पावर जीरो दैट इज वन। सो बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम, देखिए ये तो हमें पता चल गई कि ई एन वन पे कन्वर्स कर रही है, तो जो सीक्वेंस होगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इसके एन टर्म्स का सम, ए एन की वैल्यू क्या थी वन एन रेस टू पावर वन बाय, यानी कि वन प्लस में वन टू रेस टू पावर वन बाय टू प्लस अप टू एन रेस टू पावर वन बाय, ये हमारे पास एन टर्म्स का सम होगा। डिवाइड कर देंगे एन से और किस पे कन्वर्स करेगा वन पे कन्वर्स करेगा। सेम सेकंड थर्ड और फोर्थ ट्राई करिएगा। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ में, देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, क्योंकि अगर ए एन ग्रेटर देन जीरो है हर एन के लिए और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू एल है, तो लिमिट ए वन ए टू अप टू ए एन रेस टू पावर वन बाई एन किसके इक्वल होगा एल के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। देखिए ये इससे पहले ना मैंने आपको ये वाली ना करवाई हुई है, अगर आपको ध्यान हो तो कोशी सेकंड थ्योरम से पहले मैंने आपको एक वो करवाई हुई थी थ्योरम करवाई थी छोटी सी, ये रही दिस वन, ये थ्योरम बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारे पास ये है, बस वहाँ पे क्या है ए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है एल गिवन है, बस सेम है बिल्कुल, ट्राई कीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूजिंग कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। कोशी सेकंड थ्योरम हम निकालते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन रेज फैक्टोरियल रेज टू पावर वन बाई एन बाई एन इज इक्वल टू वन बाई ई। देखिए यहाँ पे ना पावर वन बाई एन वन बाई एन वन बाई एन दी हुई है, और कोशी सेकंड थ्योरम अगर आपको याद हो तो क्या होती थी कोशी सेकंड थ्योरम की, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई में ए एन किसके इक्वल होती थी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू पावर वन बाई एन के। तो अगर मुझे इसकी लिमिट दिखानी है किसी एल के इक्वल तो मैं इसकी लिमिट क्या दिखा दूँ उस एल के इक्वल दिखा दूँ, मैं यही यूज़ करूँगी यहाँ पे ठीक है। अब हम लेके चलते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल रेज टू पावर वन बाई एन बाई में एन इज इक्वल टू वन बाई ई, ये मुझे क्या करना है टू प्रूव करना है ठीक है। देखिए लेके चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल बाई एन रेज टू पावर एन और उसकी टोटल पावर वन बाई एन को वन बाई ई, ये लिख सकती हूँ मैं। क्या किया है मैंने एन की पावर एन कर दी और ऊपर वन बाई एन, तो एन ही बचेगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ लेट कर लो जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी एन फैक्टोरियल बाई एन रेज टू पावर एन। अब मुझे लिमिट ए एन रेज टू पावर वन बाई एन दिखानी है तो मैं लिमिट ए एन प्लस वन बाई ए एन निकाल लूँगी। अब मैंने ए एन प्लस वन निकाल दी तो क्या हो जाएगी एन प्लस वन फैक्टोरियल बाई एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, और अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ ए एन प्लस वन बाई में ए एन की तो वो क्या हो जाएगी एन प्लस वन फैक्टोरियल बाई एन प्लस रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू में एन फैक्टोरियल और ऊपर क्या हो जाएगा एन रेज टू पावर एन। वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एन प्लस वन एन फैक्टोरियल एन रेज टू पावर एन, यहाँ से एन प्लस वन अलग कर ली और एन प्लस वन रेज टू पावर एन मैंने क्या कर ली अलग कर ली, और साथ में क्या है एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल। देखिए यहाँ से मैं एन रेज टू पावर एन कॉमन निकालती हूँ नीचे ऊपर से तो एन रेज टू पावर एन, यहाँ से एन रेज टू पावर एन कॉमन निकाला तो क्या बना वन प्लस में वन बाई एन रेज टू पावर एन, यही कॉमन निकला तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व होके क्या आ गई वन प्लस में वन बाई एन रेज टू पावर एन। और अगर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई एन निकाल लूँ
तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन में वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर एन, इसके इक्वल आ गई। ये हमेशा हमारे पास में ई के इक्वल होता है, वन अपॉन में वन बाय वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर अगर एन हो तो वो हमेशा ई के इक्वल होता है। तो यहाँ से ए एन प्लस वन बाई ए एन किसके इक्वल आ गई, ई के इक्वल आ गई, ठीक है। लेकिन कोशी सेकेंड थ्योरम क्या कह रही थी, कोशी सेकेंड थ्योरम बोलती है कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन एग्जिस्ट कर रहा है, सो तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू पावर वन बाई एन के, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए ए एन प्लस वन बाई ए एन एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल रेज टू पावर वन बाई एन, एन रेज टू पावर एन वन बाई एन किसके इक्वल होगा, वन बाई ई के, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल रेज टू पावर वन बाई एन किसके इक्वल है, वन बाई ई के। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा ना आपको आसानी होगी सेकेंड, या फिर एक काम करते हैं फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ देखियो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू बाई वन थ्री बाई टू का होल स्क्वायर फोर बाई थ्री का क्यूब एन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर एन टोटल पावर वन बाई एन इज इक्वल टू ई। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें देखिए अब कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, ए रे एन रेज टू पावर वन बाई एन वाला काम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वही है ना जैसे मैंने पीछे बताया आपको, ये यहाँ पे ये वाली चीज़ आज है हमारे पास में, ये तो हम क्या निकाल लेंगे, ए एन प्लस वन बाई ए एन। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए एन किसके इक्वल है हमारे पास में, टू बाई वन थ्री बाई टू का होल स्क्वायर फोर बाई थ्री का क्यूब एन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर एन, ये हो जाएगा। अगर मैं ए एन प्लस वन निकाल लूँ तो टू बाई वन थ्री बाई टू का स्क्वायर फोर बाई थ्री का क्यूब एन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर एन, और साथ में क्या हो जाएगा, एन प्लस टू एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, ये बन गया। अब मैं निकालती हूँ ए एन प्लस वन बाई ए एन, देखिए सारा कट होके सिर्फ क्या बचेगा, एन प्लस टू बाई में एन प्लस वन, और टोटल पावर क्या है, एन प्लस वन, ये बन जाएगी हमारे पास। देखिए ऊपर नीचे जब मैं ये पुट करूँगी तो सब कट जाएगा, सिर्फ एक लास्ट टर्म बचेगी वो ये बचेगी। इसमें मैं लिख सकती हूँ देखिए एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, ये बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको डिवीज़न में डाल देते हैं, तो ए एन प्लस वन बाय में ए एन क्या हो जाएगा, वन प्लस में वन अपॉन में एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ये बन गया हमारा सॉल्व होके। अब अगर मैं लिमिट लगाऊँ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लिमिट लगा रही हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाय ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस में वन बाय एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, तो ये क्या बनेगी मेरे पास में, ई के इक्वल आ जाएगी बाय रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन की वैल्यू क्या है, ई के इक्वल है, और ए एन बाय कोशी सेकेंड थ्योरम, कोशी सेकेंड थ्योरम क्या कह रही है कि अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो दोनों लिमिट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं ना बाय कोशी सेकेंड थ्योरम। तो यहाँ से मैं ये भी किसके इक्वल आएगी, ई के इक्वल आएगी, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू बाई वन थ्री बाई टू का स्क्वायर अप टू एन प्लस वन रेज टू पावर एन, और उसकी टोटल पावर वन बाई एन किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी के इक्वल होगी, ये आ जाएगी हमारे पास, यही हमने सॉल्व करना था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, और लिमिट निकालनी है एन रेज टू पावर एन बाई में एन फैक्टोरियल की पावर वन बाई एन को आइडेंटिटी, फर्स्ट करवाया था उसका रेसिप्रोकल है बिल्कुल, बस वहाँ पे क्या करना है, वन बाई ए एन, यानी उसको उल्टा कर देना है, वहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट मैंने इसका करवा दिया है। नाउ एग्जाम्पल्स की बात चल रही है फिफ्थ क्वेश्चन में, हमने एग्जाम्पल्स देने हैं सिक्वेंस के। पहला कि ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्स करें और बी एन कन्वर्स करें, लेकिन ए एन इंटू बी एन डाइवर्स करने चाहिए, ये हमने एग्जाम्पल्स लेने हैं। देखिए फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में
एन जो है वो डाइवर्स कर रही है इन्फिनिटी को, ठीक है, जो सीक्वेंस बी एन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो और क्या होनी चाहिए, बट ए एन बी एन क्या होनी चाहिए, डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी को डाइवर्स करें। हमने ऐसे एग्जांपल लेने हैं, देखिए डाइवर्स जो करता है प्लस इन्फिनिटी को, तो ये किस टाइप से जाएगा, एन एन स्केयर, टू एन, थ्री एन, फोर एन, या एन क्यूब, एन एन रेज टू पावर फोर, फाइव, इस तरह से जाएगा। अब हमने ऐसा लेना है और ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, और डाइवर्स कर जाए इन्फिनिटी पे, तो हम क्या करेंगे, ए एन सीक्वेंस लेट कर लेते हैं, ए एन क्या है, सीक्वेंस एन स्केयर है, डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी हो गया। और जो बी एन सीक्वेंस ले लेते हैं, वो ले लेते हैं वन बाई एन, ये कन्वर्स कर रहा है किस पे, ज़ीरो पे। अगर मैं ए एन इंटू में बी एन लेके चलूँ, तो एन स्केयर इंटू वन बाई एन किसके इक्वल हो जाएगी, सीक्वेंस एन, किस पे कन्वर्स कर रहा है, इन्फिनिटी पे। आ गया एग्जांपल, आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देखिए सेकंड पार्ट, ए एन क्या कर रही है, डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी एंड बी एन कन्वर्जिस, बी एन कन्वर्स कर रही है, लेकिन ए एन और बी एन क्या कर जाएं, वो भी कन्वर्स कर जाएं, इस तरह से ले लिया हमने। तो लेट कर लेते हैं, देखिए ए एन डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी है, तो मैं एन लेके चल सकती हूँ, एन बी एन लेके चल सकती हूँ, इस तरह से ले लूँ कि वो कन्वर्स कर जाए, उनके प्रोडक्ट तो ये बड़ी ले ली, ये कन्वर्स कर रही है किस पे, ज़ीरो पे। अगर मैं ए एन इंटू बी एन लेके चलूँ, एन इंटू वन बाई एन स्केयर की प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, वन बाई एन, कन्वर्स कर रहा है किस पे, ज़ीरो पे। दैट्स योर एग्जांपल फिफ्थ का सेकंड। उसके बाद आ जाता है देखिए थर्ड, थर्ड में क्या बोल रहा है, ए एन डाइवर्स करे, बी एन कन्वर्स करे, लेकिन ए एन बी एन ओसिलेट करे। देखिए ए एन डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, बी एन कन्वर्जिस, बट ए एन बी एन ओसिलेट्स, लेकिन ए एन बी एन क्या करे, ओसिलेट करे। लेट कर लेते हैं, ए एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी है, तो मैं लेट कर लेती हूँ वो एन है, बी एन कन्वर्जन सीक्वेंस है लेकिन ओसिलेट करनी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, माइनस वन रेज टू पावर एन बाई में एन, किस पे कन्वर्स कर रही है, ज़ीरो पे, ये किस पे डाइवर्स कर रही है, इन्फिनिटी पे। दोनों की प्रोडक्ट ले लूँ, क्या बनेगी, एन माइनस वन रेज टू पावर एन बाई एन, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस वन रेज टू पावर एन, और ये ओसिलेट्स कर रही है क्या, फाइनाइटली। ये क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ का थर्ड का एग्जांपल। नेक्स्ट है देखिए सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन फैक्टोरियल बाय एन रेज टू पावर एन, ये ए एन हमें गिवन है, तो प्रूव करने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ये हमने निकालना है। देखिए इसको करवाने से पहले ना हम एक रिजल्ट या एक थ्योरम यूज़ की थी हमने, क्या कि अगर हमारे पास ए एन प्लस वन, देख पीछे एक थ्योरम थी हमारी, शायद इससे पीछे आई हो, ये रहे क्या थी, कि अगर ए एन कोई सीक्वेंस है इस तरह से कि ए एन प्लस वन बाई ए एन एल को कन्वर्स कर रही है और वो एल वन से छोटा है, तो सीक्वेंस जीरो को एन टाइम्स इन्फिनिटी पे क्या देगी, जीरो देगी, इसका यूज़ करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। आ जाते हैं ए एन के ऊपर, देखिए सिक्स्थ में क्या है, ए एन है हमारे पास में एन फैक्टोरियल बाई एन रेज टू पावर एन, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ, ए एन प्लस वन निकालती हूँ, ए एन प्लस वन क्या हो जाएगी, एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, फिर निकालती हूँ ए एन प्लस वन बाय में ए एन, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय में एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू में, ये मैंने की आपको अभी करके दिखाया, एन रेज टू पावर एन बाय में एन फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं, एन प्लस वन एन फैक्टोरियल एन रेज टू पावर एन, देखिए एन प्लस वन तो मैंने एक पावर तो यहाँ रख ली, ये एन फैक्टोरियल और ये एन प्लस वन रेज टू पावर एन बच गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए एन रेज टू पावर एन, यहाँ से एन रेज टू पावर एन कॉमन निकाला, वन प्लस में वन बाई एन रेज टू पावर एन आ जाएगा, ये कैंसिल, यानी कि अगर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन लगाऊँ, तो क्या बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन में वन प्लस वन बाई एन रेज टू पावर एन, ये किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल पर,
उसकी पावर वन हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि ई जो होता है वो हमेशा वन से बड़ा होता है, तो वन बाई ई लेस देन क्या जाएगा, वन जाएगा। तो इसका मतलब कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन की जो लिमिट आई है वो लेस देन वन है। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर ए एन लेंगे वो किसको कन्वर्स करेगा, जीरो को। एज को रिजल्ट कौन सा रिजल्ट है हमारे पास कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन किसी लिमिट को कन्वर्स कर रहा है और वो लेस देन वन है, देन जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। इस रिजल्ट का हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, वही हमने किया है। ए एन प्लस वन निकाल दिया, फिर डिवीजन में डाल दिया, लिमिट लगा दी, लेस देन वन आ गई तो जीरो पे कन्वर्स कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। देखिए एक्स रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल दिया हुआ है ए एन, हमें प्रूव करना है कि लिमिट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, जहाँ पे एक्स क्या है कोई ना कोई हमारे पास में रियल नंबर गिवन है, ठीक है। देखिए दो केसेस होंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए एन गिवन है एक्स रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। केस फर्स्ट, जब एक्स जीरो है, जब एक्स जीरो है तो उसका मतलब वहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल तो क्या जाएगा, जीरो ही चला जाएगा, कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस सेकंड, जब एक्स हमारे पास में क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो अब वही जो अभी हमने यूज़ किया है, ए एन की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, ए एन प्लस वन निकालते हैं, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन फैक्टोरियल, ए एन प्लस वन बाई ए एन निकाल लो, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल, इनटू में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन बाई में एन फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स की पावर एन इंटू एक्स एन फैक्टोरियल बाई में एन प्लस वन एन फैक्टोरियल, एक्स की पावर एन ये कैंसिल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल क्या बच गया, एक्स बाई में रेज टू पावर एन प्लस वन। और अगर मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई में ए एन निकालूँ तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन में एन प्लस वन किसके इक्वल आ गई, जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन वन है। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन बाई में एन फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी, बाय यूजिंग द सेम रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज करके ये भी किस पे कन्वर्स कर रहे हैं, जीरो पे कन्वर्स कर रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एन कन्वर्स कर रही है, बी एन डाइवर्स कर रही है, शो करना है ए एन प्लस बी एन क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एट्थ में हमारे पास क्या था, एट्थ में है कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्स कर रही है एंड जो बी एन है वो डाइवर्स कर रही है। तो शो करना है, शो दैट ए एन प्लस बी एन क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, ये मुझे प्रूव करना, टू प्रूव करना है। देखिए अब कन्वर्जन सीक्वेंस वाला लेके चलते हैं, ए एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रही है, ठीक है, लेट कर ले वो कन्वर्स कर रही है तो लेट कर देते हैं, किसी ना किसी पे कन्वर्स करेगी। लेट ए एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू ए, किसी न अब ए पर कन्वर्स कर रही है, लगाओ डेफिनेशन, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम वन सच दैट मॉडलस ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी, यहाँ से मोड खोल दिया, माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन, ए ऐड कर दिया, ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके, ठीक है। ए एन का कंसेप्ट तो यूज हो गया, अब बी एन डाइवर्स कर रही है तो बी एन का लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो तरह से डाइवर्स, सिर्फ डाइवर्जिस बोल रहा है, हो सकता है वो इन्फिनिटी पे भी करे, हो सकता है वो माइनस इन्फिनिटी पे भी करे। केस फर्स्ट, वेन बी एन डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अगर वो डाइवर्स कर रही है, ठीक है, क्या तो क्या कर लगाओ डेफिनेशन, फॉर एनी रियल नंबर के हाउ एवर लार्ज,
याद है ना डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, कि बहुत बड़ा नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर एम टू होगा इस तरह से कि जो वो बी एन है वो हमेशा उसके से बड़ी होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू के लिए। ठीक है, देखिए अब मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है, ये किससे बड़ा है ए माइनस एप्सिलॉन से और ये किससे बड़ा है के से, तो मैं क्या करूँ कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ए माइनस एप्सिलॉन ख़त्म हो जाए, तो के माइनस ए माइनस एप्सिलॉन में क्या कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, वह आपको समझ आएगा अभी कैसे। अब मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ एम को वही मैक्सिमम एम वन एम टू, इन दोनों में से मैक्सिमम लेके चलूँगी, मैक्सिमम के लिए तो पक्का जाएंगी। इसका मतलब कि ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम के लिए भी लाइक करेगा, और उसके लिए ये जो बी एन है ये भी क्या होगा, बड़ा होगा के माइनस ए माइनस एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दोनों का एडिशन कर दूँ, अगर दोनों का एडिशन करूँगी तो देखिए ए माइनस एप्सिलॉन से ए माइनस एप्सिलॉन कैंसिल, यानी के क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा किससे, ए एन प्लस बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, मैं बस ये क्या लेके चल रही हूँ, ये दो लेके चल रही हूँ, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड किया तो ए माइनस एप्सिलॉन खत्म के। देखिए ए एन बी एन हर एन ग्रेटर देन एम के लिए क्या है, किसी ना किसी बहुत बड़े नंबर से भी बड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ए एन प्लस बी एन है वो डाइवर्स करेगा इन्फिनिटी को, डाइवर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन से। ए एन कन्वर्स दिया हुआ है, बी एन डाइवर्स दिया हुआ है, ए एन की कन्वर्जेंस सीक्वेंस लगा दी, खोल दिया इसको, ए एन ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन के बीच मिलाई करेगा। अब बी एन डाइवर्स कर रहा है तो कुछ नहीं पता, इन्फिनिटी भी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी भी कर रहा है, मैं इन्फिनिटी का कंसेप्ट उठा के लेके चल रही हूँ, इन्फिनिटी का है तो डेफिनेशन लगा दी डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, कोई बहुत बड़ा नंबर के होगा उसके लिए एम टू होगा, कि बी एन बड़ा होगा के से बड़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, के में से ए माइनस एप्सिलॉन माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये बन गई, अब वो एम वन के लिए था, ये एम टू के लिए है, अगर मैं एम इन का मैक्सिमम ले लूँ तो ये दोनों तो पक्का जाएंगी उनके लिए सेटिस्फाई, पक्का होएंगी, क्योंकि एम वन एम टू से बगड़ एम वन से भी बड़े के लिए कर रही है, ये एम टू से बड़े के लिए कर रही है, तो मैक्सिमम के लिए तो पक्का जाएंगी, तो दोनों के दोनों एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए जाएंगी, एडिशन कर देंगे, ए एन प्लस बी एन किससे बड़ी आ गई, बहुत बड़े नंबर के से बड़ी आ गई, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। केस सेकंड, जब बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी करे, लगाओ डेफिनेशन, फॉर एनी रियल नंबर के हाउ एवर लार्ज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम थ्री सच दैट, देखिए जो बी एन होगा वो किससे छोटा होगा, लेस देन माइनस के से छोटा होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम थ्री। देखिए बी एन ए एन और बी एन ऐड करने हैं, पहले हमने ग्रेटर देन वाले साइन ऐड किए थे, अब हमने लेस देन वाले करने हैं, तो ए माइनस प्लस एप्सिलॉन में क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस कर दूँगी इसमें। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इसका नाम दे दीजिए वन, ये तो और इसकी तो जरूरत हमें पड़ी नहीं थी, खैर इसको ले लेते हैं, इसका नाम सेकंड, लेट कर लो एम डैश क्या है, मैक्सिम हमें किस में से, एम वन एम थ्री में से, तो इसका मतलब फ्रॉम वन फर्स्ट से क्या होगा, ए एन छोटा हो गया किससे, ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश, एंड बी एन स्ट्रिक्टली माइनस के माइनस ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश। एडिशन करें तो यहाँ से ए एन प्लस बी एन स्ट्रिक्टली माइनस के से छोटा हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश, इसका मतलब क्या है, ए एन प्लस बी एन क्या कर रहा है, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, वो माइनस इन्फिनिटी को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। बस ये ध्यान रखना है, लेस देन वाले के ऐड करने हैं यहाँ पे, फिर ग्रेटर देन वाले ऐड करने हैं, इन चीज़ का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाइन्थ, ए एन डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी में, और बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन है, तो बी एन भी पक्का डाइवर्स करेगा, ये हमने प्रूव करना है। देखिए नाइन्थ में ए एन डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहा है, लगाओ डेफिनेशन,
फॉर गिवन रियल नंबर कैपिटल के हाव एवर लार्ज, वो बहुत बड़ा हो सकता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम, इस तरह से कि जो ए एन है वो हमेशा उस के से बड़ा होगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, होगा ना, ए एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। और जो गिवन है, गिवन क्या है कि बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन है फॉर ऑल एन के लिए, वो तो एम के लिए कि कुछ एम फिक्स कर दिया और उससे ऊपर के लिए ये सभी एन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि जो बी एन है वो हमेशा ए एन से तो बड़ी होगी, और ए एन किससे बड़ा है, के से, हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। यानी मैं कह सकती हूँ कि बी एन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाएगा किसी के से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब जो बी एन सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को डाइवर्स कर जाएगी। नेक्स्ट देखिए टेंथ में, अब लेस देन इक्वल टू है, वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए एन लेस देन माइनस के, और बी एन लेस देन है, तो वहाँ से हमारे पास में ये बी एन भी लेस देन के चला जाएगा। ट्राई कीजिएगा, टेंथ क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। इन नेक्स्ट है, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीक्वेंस एक्स रेज टू पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एवरी वैल्यू के लिए, कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, वन है, टू है, जो भी है, उन सब के लिए मुझे इस सीक्वेंस का नेचर फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन, वर्ट नोट द लिस्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस हमारे पास में, सीक्वेंस क्या है, एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, ये सीक्वेंस है। केस फर्स्ट लेके चलते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सबको पता है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हमारा काम सॉल्व, कन्वर्स करेगी जीरो को, यानी कि जो सीक्वेंस एक्स एन एक्स रेज टू पावर एन है वो कन्वर्स करेगी किसके ऊपर, जीरो के ऊपर। केस सेकेंड, जब एक्स क्या है, वन है, तो जो हमारे पास में सीक्वेंस ए एन है वो क्या बन जाएगी, वन रेज टू पावर एन, यानी कि सीक्वेंस वन, तो ए एन इज कॉन्स्टेंट सीक्वेंस एंड हैंस कन्वर्जेंट। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट टू वन, वन पे कन्वर्स करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं क्या, कि जब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, केस थर्ड, जब एक्स है हमारे पास माइनस वन, तो जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या बनेगी, माइनस वन रेज टू पावर एन, यानी कि ये तो बहुत फैमिलियर है, माइनस वन वन माइनस वन वन, यहाँ तक चलती जाएगी। तो यहाँ से जो सीक्वेंस ए एन है वो ओसिलेट्स करेगी, कैसे, फाइनाइटली, फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी। तीन केसेस हो गए, जीरो पे, वन पे, माइनस वन पे। केस फोर्थ लिखते हैं, जब एक्स जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए तो ए हमारे पास ए एन सीक्वेंस क्या है, एक्स रेज टू पावर एन है, ठीक है। यहाँ से देखिए जो एक्स है अब वो लेस देन वन है, तो यहाँ से वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन आ जाएगा। अगर वो वन से बड़ा है तो मैं लेट कर लेती हूँ वन बाई एक्स को किसके इक्वल, वन प्लस एच के इक्वल, जहाँ पे एच क्या है, स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा है। देखिए जो वन बाई एक्स है अगर वो वन से बड़ा है तो उसको वन प्लस एच ले सकती हूँ मैं कहीं ना कहीं। अब अगर मैं वन बाई में एक्स रेज टू पावर एन लेके, यानी कि वन दोनों साइड मैंने पावर एन कर दी, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दी, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लें जब हम, तो वो क्या बनेगी, वन प्लस एन एच प्लस में एन एन माइनस वन बाई में टू फैक्टोरियल एच स्केयर अप टू सो ऑन, ये बनेगी। मैंने ये हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी किससे, वन प्लस एन एच से, बाकी सभी टर्म्स ऐड हो रही हैं लेकिन वन प्लस एन एच से तो हमेशा क्या जाएगी, वो बड़ी जाएगी। अगर ये वन प्लस एन एच से भी बड़ी होगी तो ये किससे बड़ी होगी हमारे पास में, एन एच से भी बड़ी होगी। वन प्लस एन एच से बड़ी है तो एन एच से भी बड़ी होगी, यानी कि वन बाय में एक्स रेज टू पावर एन बड़ी होगी एन एच से। अगर मैं रेसिप्रोक कर लूँ तो वन बाय एन एच से क्या जाएगी, छोटी जाएगी। तो लिमिट लगाऊँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन किससे छोटी होगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाय एन एच, और वन बाय एन है तो किस पे कन्वर्स करेगी, जीरो पे। एंड
एक्स की पावर एन की जितनी भी टर्म्स हैं वो हमेशा जीरो से तो बढ़ी जाएंगी जाएंगी, हर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एंड एन बिलोंग्स टू एन के लिए, हमेशा जीरो से क्या जाएंगी, बढ़ी जाएंगी। इसका मतलब देखिए जीरो से बड़ी है और जीरो से छोटे पे वो कन्वर्स कर रहा है, तो यानी मैं कह सकती हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन जीरो के इक्वल होगी, एज क्योंकि एक्स एन किसके बीच में लाई कर रहा है, जीरो और वन बाई एन एच के बीच में लाई कर रहा है, ये भी जीरो पे कन्वर्स कर रही है, ये भी जीरो पे कन्वर्स कर रही है, स्क्वीज प्रिंसिपल से बीच वाली भी जीरो पे कन्वर्स कर जाएगी। देखिए फोर्थ में पहले तो हमने क्या किया था, जीरो ले लिया, वन ले लिया, माइनस वन ले लिया, ये तो आपके लिए इजी पॉइंट्स हो गए। जब जीरो और वन के बीच में लाई कर रहे हैं, ए एन की वैल्यू है एक्स रेज टू पावर एन, देखिए एक्स वन से छोटा है तो वन बाई एक्स वन से बड़ा हो जाएगा, उसको वन प्लस एच का नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है, दोनों साइड पावर एन कर दी, बाइनोमियल खोल दी, ये जो चीज़ है वो वन प्लस एच से बड़ी होगी, सीरीज वन प्लस एच है तो एन एच से भी बड़ी होगी, तो क्या किया मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, एक्स की पावर एन निकाल दिया और उसकी वैल्यू क्या है वन बाई एन एच। अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो जीरो पे कन्वर्स कर रही है और जो एक्स की पावर एन के सभी कोफिशियंट है वो जीरो से बड़े हो जाएंगे। देखिए एक्स की पावर एन है जीरो और वन बाई एन एच के बीच में लाई कर रही है और ये तो जीरो है ही, इसी कॉन्स्टेंट सिक्वेंस है, ये क्या है हमारे पास में कन्वर्जेंट सिक्वेंस जीरो है, तो एक्स की पावर एन भी किसको कन्वर्स करेगी, जीरो को कन्वर्स करेगी। ये है आपका फोर्थ केस। अब करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लेके चलते हैं, फिफ्थ केस लेके चलते हैं, केस फिफ्थ। अब यहाँ पे x क्या है, माइनस वन लेस देन x लेस देन जीरो, ये है। अगर मैं यहाँ पे x को लेट कर लूँ माइनस वाई, तो देखिए क्या बनेगा, माइनस वन लेस देन माइनस वाई लेस देन जीरो, वन से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो लेस देन y लेस देन वन, एंड एज इन प्रीवियस केस, प्रीवियस केस में क्या आया था कि लिमिट एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n किसको कन्वर्स कर रहा है, जीरो को, तो यहाँ से इसका यूज़ करूँगी मैं, इस रिजल्ट का यूज़ करूँगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y रेस टू पावर n भी किस पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। अगर ये जीरो पे जा रहा है तो यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस वन रेस टू पावर x रेस टू पावर n भी किस पे कन्वर्स कर गया, जीरो पे कन्वर्स कर गया हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि जब माइनस वन और जीरो के बीच में लाई करेगा तो वहाँ से भी हमारे पास ये क्या बनेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो देखिए दो सीरीज की दो सीक्वेंस की प्रोडक्ट जीरो हो रही है, ये तो नल, ये तो हमारे पास में जीरो सीक्वेंस नहीं है लेकिन ये तो पक्का जीरो मिलेगी। दो सीक्वेंस की प्रोडक्ट जीरो कब होएगी, जब उनमें से एक पक्का नल सीक्वेंस हो या फिर जीरो सीक्वेंस हो, तो एक्स रेज टू पावर एन जीरो सीक्वेंस हो जाएगी क्योंकि ये तो जीरो सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा केस जब एक्स लेस देन माइनस वन हो, केस हमारा आ जाता है सिक्स्थ, हो गया ना सिक्स्थ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब एक्स क्या है ग्रेटर देन वन ले लो, एक्स हमारा क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है, जब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है तो x क्या चला जाएगा, बड़ा चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन क्या जा रहा है, वन जा रहा है, x वन से बड़ा है। सेम इसकी तरह जैसे अभी हमने पीछे वाले के देख किया था, लेट कर लेते हैं x को वन प्लस एच के इक्वल, x रेज टू पावर n वन प्लस एच रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n क्या हो जाएगा वन प्लस में एन एच प्लस में एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली बड़ी है किससे, वन प्लस में एन एच से, स्ट्रिक्टली बड़ी है किससे एन एच से। और अगर मैं लिमिट लगा दूँ दोनों साइड, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन, तो क्या जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू एच, वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, जब एक्स स्ट्रिक्टली किससे बड़ा है, वन से बड़ा है। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं केस हमारा जो सिक्स्थ है, सेवन्थ केस, केस सेवन्थ, जब एक्स माइनस वन से छोटा है, ठीक है, लेट कर लेते हैं वाई को माइनस एक्स, एक्स को माइनस वाई, कुछ भी इस तरह से लेट कर लो, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, या फिर मैं कह सकूँ एक्स को माइनस वाई, तो माइनस वाई लेस देन माइनस वन, इसका मतलब वाई ग्रेटर देन वन। तो यहाँ मैं अब भी मैंने प्रूव किया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई रेज टू पावर एन किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है ना। तो वाई रेज, यहाँ से मैं कह सकती हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर एन वाई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, इन्फिनिटी आ जाएगी, कर जाएगी इन्फिनिटी की तरफ।
देखिए सॉरी एक्स रेज टू पावर एन, माइनस वन रेज टू पावर एन, साथ में क्या हो जाएगी एक्स रेज टू पावर एन, किस पे जा रही है इन्फिनिटी पे जा रही है ये वैल्यू आगे। देखिए अब ज़रा ध्यान से, ये इन यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन की अगर मैं बात करूँ, लिमिट एन टाइम्स इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन, देखिए यहाँ पे माइनस वन रेज टू पावर एन है, ये इन्फिनिटी आ रहा है, या तो क्या हो देखिए इसकी वैल्यू एक तो इन्फिनिटी जाएगी एक माइनस इन्फिनिटी जाएगी। यहाँ पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए दो सीक्वेंस की प्रोडक्ट इन्फिनिटी जा रही है, और जो हमारे पास लिमिट एन टाइम्स इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर एन है ये क्या जाएगी, ये माइनस वन होगी इफ़ एन इज़ ओड, अगर ओड है तो माइनस वन, वन होगी जब एन क्या है इवन है, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी कब देगी, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स रेज टू पावर एन को मैं बोल सकती हूँ ये माइनस इन्फिनिटी तो कब होगी, देखिए माइन प्लस इन्फिनिटी है जो ये माइनस है पहले ही, ये भी माइनस होनी चाहिए तभी तो प्लस आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी कब होगी जब एन क्या हो ओड हो, और इन्फिनिटी कब होगी जब एन क्या हो इवन है, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट भी फिर माइनस वन इंटू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वन इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास में एक्स रेज टू पावर एन ये आ जाएगी। इससे मैं कह सकती हूँ कि एक्स रेज टू पावर एन ओसिलेट करेगी इनफाइनाइटली, क्योंकि हमारे पास में कोई फाइनाइटली तो है नहीं, इनफाइनाइटली होगी कब, जब एक्स किससे छोटा है माइनस वन से। ये है आपका नेचर ऑफ द सीक्वेंस। एक बार इस नेचर को दोबारा देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग नेचर है। ए एन एक्स रेज टू पावर एन है, इसका नेचर डिफाइन करना है हमने, जब एक्स जीरो है तो जीरो, वन है तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस वन, माइनस वन है तो ओसिलेट करेगी फाइनाइटली, जब वो लाइक कर रही है जीरो और वन के बीच में। देखिए एक्स वन से छोटा है तो वन से बड़ा हो जाएगा, वन प्लस एच ले लेंगे, पावर एन डाल के बाइनोमियल खोल दी, यहाँ से एक्स रेज टू पावर एन, वन बाई में एक्स रेज टू पावर एन किससे बड़ा गया एन एच से, उल्टा लेंगे तो कन्वर्जन कर रहा है किस पे जीरो पे, स्क्वीज प्रिंसिपल के लगा देंगे, क्योंकि एक्स रेज टू पावर एन की सभी टर्म जीरो से तो बड़ी होंगी, वन बाई एन एच से छोटी आ रही है, ये दोनों जीरो पे कन्वर्स कर रही है, तो एक्स एन भी किस पे कन्वर्स करेगी जीरो पे। उसके बाद केस फिफ्थ आता है जब एक्स जीरो माइनस वन और जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं, जब माइनस वन और जीरो के, जब मैं क्या करती हूँ एक्स को माइनस वाई पुट कर देती हूँ, तो वाई जीरो और वन के बीच में जाएगा। अभी जीरो और वन के बीच वाला मैंने प्रूव किया था वो किसको कन्वर्स कर रहा है जीरो पे, तो एक्स एन भी किस पे कन्वर्स करेगा जीरो पे। नेक्स्ट है एक्स वन से बड़ा है तो एक्स को वन प्लस एच ले ली, बाइनोमियल लगा दी, और वो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी को एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट है जब x लेस देन माइनस वन है, y को क्या ले लेते हैं हम, x को माइनस वाई पुट कर देते हैं, तो y ग्रेटर देन वन आ गया, इन्फिनिटी का अप्रोच कर गया अभी करवाया था, लेकिन जो y n है वो किसके इक्वल है, माइनस वन रेज टू पावर n x रेज टू पावर n, और माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन देती है ओड पे, वन देती है इवन पे, तो x की पावर n को भी ओड पे तो नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि प्लस इन्फिनिटी चाहिए, और इवन पे प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी, तो ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।